भविष्यवक्ता यशायाह ने यहूदिया को परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जब इसराइल नष्ट हो गया था और लोगों को बंदी बना लिया गया था। पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक में यह कहावत है, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो तुम एक बिल्कुल नया संसार देखोगे। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो गरीबों को सुसमाचार दिया जाएगा, टूटे मन चंगे हो जाएंगे और बंधुआई में पड़े लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। इन शब्दों ने बंधुआई में लिए गए इसराइलियों को बहुत दिलासा और आशा दी। यह उस समय एक सपने की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये शब्द अंततः वास्तविकता बन गए। इसराइलियों को बंधुआई से मुक्त किया गया। क्या हम नए नियम में लूका के सुसमाचार को देखें? एक दिन यीशु ने नासरत के एक आराधनालय में यशायाह की पुस्तक से एक अंश पढ़ा। यीशु ने इस बारे में बात की कि जब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होगा तो क्या होगा। फिर पुस्तक को बंद कर दिया और कहा, इस लेख में लिखी बातें इस स्थान में आज पूरी हुईं। यीशु ने उन सपनों की भी कल्पना की जिनकी यशायाह ने बहुत पहले कल्पना की थी और कहा कि वे सपने यीशु के माध्यम से सच हुए। वास्तव में जहां कहीं भी यीशु गया वहां सुंदर समाचार फैल गया और जो लोग शरीर और मन से बीमार थे वे चंगे हो गए। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से बात की, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ हैं तो आप भी वह हासिल कर सकते हैं जिसकी यशायाह ने कल्पना की थी और जो मैंने आपको दिखाया था। यीशु चाहता था कि उसके चेले इन कामों को जारी रखें। शिष्यों ने यीशु के वादे पर विश्वास किया, इंतजार किया और प्रार्थना की। आखिरकार पवित्र आत्मा उन शिष्यों के पास आया जो यरूशलेम में एक ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। जिन बातों की यशायाह ने कल्पना की थी और जिन बातों की प्रतिज्ञा यीशु ने की थी वे चेलों और यीशु का अनुसरण करने वालों को दिखाई दी। लोगों ने उन अद्भुत चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जो परमेश्वर अन्य भाषाओं में कर रहा था, ऐसी भाषाएं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं बोला था। कई चमत्कार भी हुए और जो लोग यीशु और उसके चेलों के पीछे हो गए वे जो कुछ उनके पास था उसे साझा करने लगे। यह कुछ ऐसा नहीं था जो किसी को दिया गया था। यह पता लगाने पर कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए, उन्होंने उन्हें वितरित किया। जब हम किसी की मदद करने के बारे में सोचते हैं तो यह सोचना आसान होता है कि पैसा जुटाना और ईमानदारी सबसे मुश्किल है, लेकिन कभी कभी सामग्री एकत्र करना जितना मुश्किल होता है, जरूरतमंद लोगों को ढूंढना और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें साझा करना और भी मुश्किल होता है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे उन्होंने न केवल स्वयं को दिया बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश की कि दूसरों को क्या चाहिए। जब ये बातें हुईं तो यरूशलेम में रहने वाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। इस तरह अधिक से अधिक लोगों ने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया। सभी देखिए, क्या यह वह नहीं है जिसकी यशायाह ने कल्पना की थी? यीशु ने यशायाह के वचनों को पढ़ा और अभ्यास में लाया और शिष्यों ने एक साथ इकट्ठा होने पर क्या सपना देखा? एक चर्च जो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से यीशु का प्रचार करता है, जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और हर किसी के द्वारा प्रशंसा की जाती है। यह वह चर्च है जिसका यशायाह, यीशु और हम सभी कल्पना करते हैं।